Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ये विमान 9 अगस्त को ब्राजील में साओ पाउलो के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्राजील में विमान हादसे में 62 लोगों की मौत हो गई है। विमान में 58 यात्री और 4 क्रू के सदस्य थे और सभी लोगों की मौत हो गई। विमान का मलबा गिरने से एक घर को भी नुकसान पहुंचा है। इस दुर्घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि विमान आसमान में अनियंत्रित हो गया और गोल गोल घूमने लगा। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक विमान नियंत्रण से बाहर हो गया और इसी वजह से ये हादसा हुआ। विनहेडो के पास वेलेनहोस के शहर के अधिकारियों ने कहा कि कोई भी जीवित नहीं बचा है और स्थानीय परिसर में एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि किसी भी निवासी को किसी तरह की चोट नहीं आई। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरलाइन भोपाल लिन्हास एरियास की ओर से संचालित किया जा रहा ATR-72 प्लेन था। फ्लाइट रडार वेबसाइट के मुताबिक विमान 17,000 फुट की ऊंचाई पर था और 2 मिनट के अंदर ये 4,000 फुट नीचे गिरा और इसके बाद विमान का GPS सिग्नल नक्शे पर नहीं दिखाई दिया। इस दुर्घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने एक्स पर एक वीडियो में लोगों से 1 मिनट का मौन रखने को कहा है। वहीं एयरलाइंस ने जानकारी दी है कि इस समय भोपाल पीड़ितों के परिवारों को सहायता प्रदान करने और दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।